हैदराबाद जिले के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि मुहर्रम के महीने में हुकूमत की जानिब से तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। सेक्रेटेरिएट में मुहर्रम के इंतजाम से मुतालिक एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदार और शिया उलमा व कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए पूनम प्रभाकर ने तमाम महकमों के ओहदेदारों को मुहर्रम के महीने में सहूलियात फराहम करने के लिए तालमेल से काम करने का मशवरा दिया। आशूर खानों के पास पुलिस पिकेट्स तैनात करने की हिदायत दी। आशूर खानों के अतराफ के इलाकों में जीरे अल्तवा ड्रेन और सड़कों के मरम्मती कामों को फौरी मुकम्मल करने की हिदायत दी और तमाम मकामात पर हाई मास लाइट्स नसब करने की हिदायत दी। हाथी के जुलूस निकालने के दिन इस रूट पर बर्की कमकमों से मुनवर करने की महकमे बर्की के अहदेदारों को हिदायत दी गई। पूनम प्रभाकर ने यौम आशूरा के दिन खसूसी तौर पर वाटरवर्क्स के अहदेदारों को पीने के पानी की सरबराही, जीएचएमसी के अहदेदारों को साफ सफाई पर खसूसी तवज्जो का मशवरा दिया। इसके अलावा मोबाइल टॉयलेट्स व दीगर इंतजाम की हिदायत दी। मुहर्रम के जुलूस के मौके पर ट्रैफिक की आमद वरफ्त में किसी किस्म का खलल पड़ने ना दिया जाए। इस सिलसिले में पुलिस के आला ओहदेदारों को हिदायत दी गई कि मरकजी जुलूस के आगाज़ के मौके पर बीबी का आलम गुजरने वाले रास्ते में सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएँ। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों को मशवरा दिया कि मरकजी जुलूस में शिरकत करने वाले अजादारों को किसी किस्म की मुश्किल ना आने पाए, उनके लिए बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए और मिनी बसों का इंतज़ाम किया जाए, मेडिकल कैंप्स एम्बुलेंस को दस्तियाब रखा जाए। इस इजलास में मजलिस के अरकान असेंबली जाफर हुसैन मेराज, कौसर मोहियुद्दीन, मीर जुल्फ़िकार अली, इसके अलावा एमएलसीज मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, मिर्ज़ा रहमत बेग, कांग्रेस के रुकने काउंसिल बालमुरी वेंकट, सदर अशीन वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्ला हुसैनी और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे।